आज नागपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण पर नवो युवा महासम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तेजस्वी सूर्या के भाषण से की गई। इस समय उन्होंने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। साथियों, आज इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विकसित भारत अम्बेसडर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर महाराष्ट्र के कोने कोने से इस कार्यक्रम में आए। वो विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोकण विभाग हो, उत्तर महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, नागपुर हम सब के लिए एक विशेष स्थान है। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी के भी भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी भूमि है और पूरे देश में राष्ट्रवाद के चिंतन को जिन्होंने फैलाया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गंगोत्री हेडगेवार जी के जन्मभूमि भी नागपुर है। और आज इसी नागपुर के इस पवित्र धरती से 24 के चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का युवा संकल्प आज देश के युवा आज इसी पवित्र धरती से कर रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले देश का स्थिति, देश के राजनीतिक स्थिति कैसा था हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार में रोज एक ना एक बड़ा कांड होता था, बड़ा भ्रष्टाचार के स्कैम निकल कर आते थे। रोज अखबार में हम 2,00,000 करोड़ रुपए का 2G स्कैम के बारे में पढ़ते थे, 10,00,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला के बारे में पढ़ते थे। रोज एक ना दूसरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पढ़ते थे और देश के अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में आ चुके थे और युवा बेरोजगार बन गए थे, महंगाई बढ़ते जा रहा था। इस वक्त राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मगर असल में गरीबी हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस वक्त उन्होंने नीति आयोग के रिपोर्ट का हवाला भी दिया, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। मान्यवर खासदार जी, सर्व आमदार साहब, सर्व आपले प्रमुख पदाधिकारी, यादी मोठी असल्यामुळे माफ करा, सगळ्यांचे नाव घेत नाही, पण सर्वच सन्मान्य मंच आणि उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की नागपूरमध्ये विदर्भातली आणि महाराष्ट्रातली युवा शक्ती पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीजींना देशाचं प्रधानमंत्री बनवण्याकरता संकल्प घ्यायला या ठिकाणी एकत्रित आली आहे। आणि आपला संकल्प काय आहे? अबकी बार हा संकल्प आमचे युवा नागपूरच्या भूमीतून घेणार आहेत। बंधू भगिनींनो, गेल्या 10 वर्षांमध्ये या देशामध्ये जे परिवर्तन आपण बघितलं, मोदीजींना 400 पेक्षा जास्त जागा का द्यायच्या, पुन्हा नमो सरकार का आणायचं, अनेक कारण त्याची आहेत, पण खऱ्या अर्थानं 3-4 गोष्टी आपल्या समोर मी ठेवणार आहे। आपण बघा, या देशाला गरिबी हटावचे नारे इंदिराजींनी दिले, त्यानंतर काँग्रेसनी सातत्याने दिले,
पण या देशातली गरिबी हटली नाही। एकदा तर राजीव गांधी असं म्हणाले की मी दिल्लीतून एक रुपया पाठवतो, 15 पैसे शेवटच्या माणसाला मिळतात, 85 पैसे व्यवस्था खाऊन टाकते, त्यामुळे गरिबाचं कधीच कल्याण होत नाही। देशाला नरेंद्र मोदीजींच्या रूपात एक असा नेता मिळाला ज्यांनी सांगितलं खाणार नाही, खाऊ देणार नाही, एक रुपया दिल्लीतून पाठवेल, शेवटच्या माणसाला एक रुपयाच मिळेल, आणि एक अशी व्यवस्था मोदीजींनी या देशामध्ये उभी केली। तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या ठिकाणी जनधनचं खातं असेल, मोबाईल असेल, आधार असेल, याच्या माध्यमातून एक अशी व्यवस्था उभी केली की कोणालाही भ्रष्टाचार करता येत नाही, गरिबाच्या ताटातून कोणाला खाता येत नाही, गरिबाच्या ताटात आता कोणाचा वाटा नाही। ही व्यवस्था उभी केल्यामुळे देशामध्ये जे 50 वर्षात जमलं नाही ते 10 वर्षात झालं। गरिबी रेषेखाली असलेले 25 कोटी लोक हे गरिबीतनं बाहेर आले असा नीती आयोगाचा अहवाल आज सांगतो। गरिबी हटावचा नारा इंद्रियाजीचा असेल, पण गरिबी हटावचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते माननीय मोदीजींनी केलं। त्यामुळे गरिबी हटावपासनं विकसित भारतापर्यंत हा प्रवास मोदीजींच्या अंतर्गत आपण करतोय। आज सगळे युवा या ठिकाणी आहेत, युवांना काय हवंय? शिक्षण हवंय, रोजगार हवाय, नवीन शिक्षा नीती मोदीजींनी दिली। या नवीन शिक्षा नीतीने आमच्या करता शिक्षण केवळ डिग्री पुरतं मर्यादित नाही ठेवलं, तर आम्हाला शिक्षणातनं अर्थार्जन करता आलं पाहिजे। कुठल्याही प्रकारची डिग्री घेतल्यानंतर त्याला असं कौशल्य प्राप्त झालं पाहिजे की तो रोजगार स्वयंरोजगाराकरता तयार असला पाहिजे। अशा प्रकारचं शिक्षण हे तर दिलंच, पण ते देत असताना मोदीजींनी सांगितलं इंग्रजांनी 150 वर्ष आमच्यावर राज्य केलं म्हणून केवळ इंग्रजांच्या भाषेमध्ये आम्ही का शिकायचं? आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं डॉक्टर व्हायचं असेल, इंजिनियर व्हायचं असेल, कुठलीही डिग्री घ्यायची असेल, आता तुम्ही तुमच्या भाषेत देखील शिकू शकता। पूर्वी एखाद्याला डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हायचं असेल तर इंग्रजीतच शिकावं लागायचं, आता मराठीत शिकणारा मराठीमध्ये MBBS ची डिग्री घेऊ शकतो, मराठीमध्ये इंजिनिअरिंगची डिग्री घेऊ शकतो, मराठीमध्ये MBA ची डिग्री घेऊ शकतो। इस समय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में किसान आत्महत्या कर रही थी, महिला किसान अपने परिवार को पालने के लिए अपने जेवर बेचती थी, मगर अब इस सरकार ने अन्नदाता को मजबूत करने का काम किया है, सरकार ने किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, विकास के एक प्रणेता आदरणीय नितिन जी को सर्वप्रथम इस मंच पर मैं प्रणाम करती हूं। इस मंच पर आज मेरा सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति के साथ युवा मोर्चा में संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र के एक एक जिले, एक एक गांव तक काम करने का मौका मिला, उनके योगदान से, उनके सानिध्य में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को नए स्वरूप में महाराष्ट्र में परिभाषित कर रही है। ऐसे पूर्व में युवा मोर्चा में मेरे साथी रहे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी इस मंच पर मैं अभिनंदन करती हूं। वर्षों से संगठन में गांव से लेकर शहर, शहरों से लेकर प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र की संगठन शक्ति का परिचय देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी का भी मैं आज इस युवा महासम्मेलन की सफलता के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूं। जो आज
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दायित्व पर अध्यक्ष के रूप में समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं ऐसे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूं। वैसे ये पहली बार होगा कि सार्वजनिक मंच पर मैंने किसी राहुल नामक व्यक्ति को शाबाशी दी होगी, लेकिन आज जब जयवेंद्र जी भारत का विकास का नक्शा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे तो मन में जो भावना उठी, नितिन जी आपकी अनुमति से उस भावना को आज शब्दों में व्यक्त करती हूं। मैंने विदर्भ की इस धरती को तब देखा जब कांग्रेस का राज था, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था। कार्यक्रम के आखिर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बातों को सामने रखा। उन्होंने अपनी सरकार में किए विकास कार्यों को सबके सामने रखा। बहनों और भाइयों, युवा मोर्चा में हमारे युवा कार्य करते हैं। हमारा युवा ये आज का नहीं, कल का नहीं, आज का नागरिक है, और आज युवा चाहता है उसके लिए रोजगार मिले, युवा चाहता है उसके लिए शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, युवा चाहता है उसको विकसनशील देश में रहने की अवसर मिले। और जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बदलाव किया है उसका अनुभव पूरा देश ले रहा है। एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, हमारे युवा अपने बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज परिस्थिति में यह बदलाव आया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम गरीबी को हटाएंगे। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो हटी नहीं पर गरीब हट गए। उस समय उन्होंने 20 कलमी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, और उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब बाद में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर देश का विकास नहीं हुआ, देश कर्जे के बोझे में डूब गया। एक ऐसी सरकार दिल्ली में थी जिसको आंखें थी पर दिख नहीं रहा था, जिसको कान थे पर सुन नहीं रही थी, जिसको मुंह था पर जो बोल नहीं पा रही थी। ऐसी एक गूंगी बहरी सरकार मनमोहन जी के रूप में, मनमोहन सिंह जी के रूप में दिल्ली में थी। कार्यक्रम में सरकार के विकास कार्य को बताया गया। देखना होगा कि जनता बीजेपी सरकार का कितना लोहा मानती है और वोट देती है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।